जय माता दी। ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में आप सभी का स्वागत करती हूँ, मैं स्मिता सिंह। पूरे नवरात्र के 9 दिन हम आपसे रोजाना मिलेंगे, माँ के 9 स्वरूपों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्यों नवरात्रों में की जाती है माँ भगवती की आराधना, क्यों माँ के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। नवरात्र साल में 4 होते हैं, लेकिन 2 गुप्त क्यों होते हैं, 2 दृश्य क्यों होते हैं, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे पंडित अमित पांडे जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवरात्रों के महत्व के बारे में। तो आज का सबसे पहला सवाल यही कि नवरात्र मनाए क्यों जाते हैं। पंडित जी, नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन जो एक सवाल है कि नवरात्र मनाए क्यों जाते हैं। देखिए स्मिता जी, नवरात्र के विषय में चर्चा की जाए उसके पहले मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा शास्त्र कहता है चैत्रे स्वनी तथा साढ़े माघे कृत्वा महोत्सवे। इसका मतलब होता है चैत्र, अश्वनी, माघ और अषाढ़, इन महीनों में महोत्सव होता है। महोत्सव का मतलब महा उत्सव, और यह उत्सव किस बात का होता है, यह उत्सव होता है शक्ति के पूजन का। और शक्ति कौन है, आदि शक्ति परांबा जगदम्बा विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा ही परम शक्ति है, उन्हीं शक्ति की उपासना इन 4 महीनों में विशेष रूप से कह जाती है और शुक्ल पक्ष में ही की जाती है प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। अब बात आती है आपके सवाल की कि नवरात्र में दुर्गा की या शक्ति की भगवती की उपासना क्यों की जाती है। तो देखिए इसके 2 कारण बनते हैं। एक तो वैज्ञानिक पक्ष यहाँ पे ये बनता है कि ये जो 4 महीने हैं चैत्र, अश्वनी, आषाढ़ और माघ, ये कहीं ना कहीं हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं, मौसम के संक्रमण काल को दर्शाते हैं, अर्थात जब हम एक मौसम को बदल के दूसरे मौसम की तरफ बढ़ चलते हैं। अच्छा, ये तो वैज्ञानिक कारण हुआ जो लगभग सबको दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है, वह है अपने आत्मा की उन्नति का मार्ग, उस शक्ति के माध्यम से खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए। और ऊर्जा का जो माध्यम है वो शक्ति है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। शिव अर्थात इकार की मात्रा, इकार ही शक्ति है, सव में जब ई की मात्रा लगती है तो शिव होते हैं, और जब सव शिव में से ई की मात्रा हट जाती है तो वो सिर्फ सव बचते हैं। इसीलिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति संपन्न होने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वर्ष के 4 मासों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक शुक्ल पक्ष में नवरात्र के रूप में विशेष रूप से शक्ति की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, और नारी तत्व प्रधान होता है और शक्ति उत्पन्न होती है जो हर लोगों में वितरित होती है, प्राप्त होती है, और खास करके ऐसे लोग जो विशेष साधना आराधना करते हैं वो निश्चित रूप से विशेष रूप से शक्ति संपन्न हो जाते हैं। आपने बताया कि नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि नवरात्र साल में 4 होते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 4 नवरात्र होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ 2 नवरात्रों में किया जाता है, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, तो 2 नवरात्र गुप्त क्यों होते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र क्यों कहा गया है। देखिए 4 नवरात्र होते हैं जिसमें 2 चैत्र का और आश्विन मास का, मतलब कुवार का, ये 2 नवरात्र तो प्रकट होते हैं, जिसे एक विजयदशमी वाला, एक रामनवमी वाला, मोटी मोटे भाषा में 6-6 महीने के अंतराल पर दोनों नवरात्र आते हैं और इसे लगभग हर हिंदुस्तानी मनाता है। लेकिन 2 गुप्त नवरात्र हैं, आषाढ़ मास का और माघ मास का, जिसमें बसंत पंचमी पड़ती है माघ मास में। तो बसंत पंचमी पड़ती है या श्री पंचमी पड़ती है उसकी भी मान्यता है, लेकिन वह इतना प्रचलित नहीं है। अब इसमें मतांतर ये आता है कि 4 युग हैं चूँकि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसीलिए 4 युगों के आधार पर 4 नवरात्रों का वर्णन है। जैसे त्रेता से आरंभ हुआ विजयदशमी का नवरात्र, जब भगवान ने रावण का वध किया, तो त्रेता युग के बाद इस नवरात्र की प्रधानता हो गई। ठीक है, इसी तरह से जब सतयुग में, जब आदिकाल में महिषासुर ने उपद्रव किया तो माता ने वध किया था महिषासुर का, रक्त बीज का, चंडमुंड का, तो इस तरह से चैत्र के नवरात्र, माघ के नवरात्र की जो है महानता बढ़ी और लोगों ने उस समय पूजा आराधना शुरू की। तीसरा नवरात्र जो माघ की, मैं बसंत पंचमी की बात कर रहा था, चूँकि उस दिन बसंत पंचमी में माता का प्राकट्य हुआ था, जो आदिशक्ति सरस्वती हैं, विद्या की, ज्ञान की देवी हैं, तो उस नवरात्र की प्रधानता कहीं ना कहीं वहाँ आती है। और आषाढ़ मास में भी प्रकृति जो है जल प्लावित होती है, कृषि के दृष्टि से, अन्न की दृष्टि से, माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए वह नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 नवरात्र प्रचलन में है, लेकिन महत्व 4 नवरात्र का अपना अलग अलग है और सभी समान है।
खास करके साधना की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से और माता को प्रसन्न करने की दृष्टि से चारों नवरात्र सम है, कोई भेद इनमें नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों को साधना के लिए खास माना जाता है जी, और पूजा पाठ के लिए जो दृश्य नवरात्र होते हैं वो खास माने जाते हैं। अब दो नवरात्र होते हैं, आश्विन के होते हैं चैत्र के, लेकिन दोनों में से किस नवरात्र में माँ की आराधना करना ज्यादा फलदायी माना जाता है? देखिए, मेरा अपना मत है, इससे विभिन्नता हो सकती है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो आश्विन का नवरात्र होता है, क्योंकि आश्विन का नवरात्र आधुनिक संदर्भ में कहा जाए तो सबसे नए क्रम में आया है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में वध किया था रावण का, और त्रेता युग हमसे एक युग पहले, बीच में कलयुग के बीच में त्रेता सिर्फ द्वापर युग है, उसके पहले ठीक त्रेता है। तो आधुनिक नवरात्र के संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण और प्रचलन में है और तुरंत सद्या फलदायी है वह है आश्विन का नवरात्र। और ऐसा विभागों में भी लिखा गया है कि कलयुग में जो सद्या फलदायी नवरात्र का व्रत होता है वह आश्विन का होता है, और आश्विन के व्रत को करने से निश्चित रूप से माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि क्यों मनाए जाते हैं नवरात्र, गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है, दृश्य नवरात्रों का क्या महत्व है, तमाम बातें पंडित जी ने आपको बताई। फिलहाल कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको चैत्र नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, क्या महत्व है नवरात्रों का जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं नवरात्रों के महत्व के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चैत्र के नवरात्र जो आने वाले हैं, ये नवरात्र मनाए क्यों जाते हैं, इनका क्या महत्व है, माँ भगवती की आराधना इन नवरात्रों में क्यों की जाती है। पंडित जी, चैत्र के जो नवरात्र हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं, ये नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, क्यों ये उत्सव मनाया जाता है, माँ भगवती की आराधना 9 दिन इन नवरात्रों में क्यों की जाती है? देखिए स्मिता जी, जो ये नवरात्र चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये नवरात्र आदिकाल से मनाए जा रहे हैं। मतलब सृष्टि की जब रचना हुई, सृष्टि में जब वर्ष प्रवेश की व्यवस्था का जन्म हुआ, जब समय आया, तभी से, चूंकि यह वर्ष का प्रथम दिन होता है, संवत्सर का प्रथम दिन होता है, तो पहली बात तो यह है, यह एक नव वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है चैत्र प्रतिपदा। उसके बाद यह आगे चल करके दुर्गा की उपासना में बदल गया, शक्ति की उपासना में बदल गया, और कालांतर में आप देखेंगे तो इससे जैसे जैसे समय बीतता गया, एक नई नई लौकिक दैवी घटनाएं घटते गई, और इससे इनका जुड़ाव बढ़ता चला गया, इसकी महत्ता बढ़ती चली गई। जिस तरह से त्रेता युग में इसी चैत्र नवमी के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया था, जिसे आज भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। खास करके वैष्णव संप्रदाय के लोग, राम भक्त विशेष रूप से इस उत्सव को मनाते हैं। इसके साथ साथ चूंकि वर्ष का प्रथम दिन था और वर्ष का पहला पक्ष होता है शुक्ल पक्ष का, इसलिए विशेष रूप से इसमें पूजा पाठ आराधना, क्योंकि हमारी मान्यता है, हमारी संस्कृति यह कहती है कि जब भी हम कोई पहला काम करते हैं, जब भी कोई हम आरंभ करते हैं, तो सबसे पहला काम हम करते हैं देव पूजन का। सबसे हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। यह हमारा एक संस्कार है, हमारी संस्कृति के ये बीज हैं कि हम आज भी हमारे परिवारों में जब भी कोई नया काम होता है, सबसे पहले ईश्वर को ही धन्यवाद दिया जाता है। उसी तरह से जब हमारे वर्ष की शुरुआत होती है तो सबसे पहला काम हम करते हैं ईश्वर को याद करते हैं, शक्ति को याद करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, और इसी को करने के लिए पूरा उत्सव मनाया जाता है प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। ये तो आपने चैत्र नवरात्रों का महत्व बताया, रामनवमी क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्र के नौवें दिन वो आपने बताया, अब बात आती है आश्विन नवरात्रों की, आश्विन नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं? आश्विन नवरात्र की भी कथा कहीं ना कहीं माता दुर्गा से ज्यादा जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि महिषासुर का जो मर्दन हुआ था इन्हीं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी के बीच में हुआ था। इसी दिन माता का युद्ध उन राक्षसों से हुआ था, और सृष्टि की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए माता ने राक्षसों का अंत किया था, वध किया था। एक तो ये सतयुग की कथा है, लेकिन दूसरी कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, त्रेता से ही जुड़ी हुई है। जो कथा इस प्रकार है कि रावण का भी अंत इसी
तिथि नवमी के बाद जो दशमी तिथि लगती है जिसे विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, रावण का अंत किया था प्रभु श्री राम ने। तो कहीं ना कहीं नौ दिन दुर्गा के, लेकिन आखिरी जो दसवां दिन होता है दशमी शुक्ल पक्ष की, वह रावण के वध के चलते भगवान श्री राम को ही समर्पित है। और इसीलिए उस नवरात्र को आज के युग में अधिक मनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका संदर्भ, उसका प्रसंग आज के युग से ज़्यादा मिलता है। बुराई पे अच्छाई के जीत के रूप में आज भी उसे मनाया जाता है, और लोग ज़्यादातर उस नवरात्र को इसी नाम से जानते हैं कि रामलीला के नौ दिन होते हैं। बिल्कुल, रामलीला, चूंकि भगवान राम का युद्ध हुआ था रावण से, तो वध तो भगवान ने विजयदशमी के दिन रावण कर दिया, लेकिन उसके पहले ही जो युद्ध शुरू हुआ था राम और रावण का, तो उस राम रावण के युद्ध के 9-10 दिन जो थे उसके रूप में भी इसको मनाया जाता, क्योंकि युद्ध के आखिरी दिन रावण मरा था, न कि पहले दिन। तो जो 9 दिन उनकी युद्ध की लीला थी उसके रूप में भी कहीं ना कहीं राम से जुड़े होने के कारण 9 दिन राम की लीला खेली जाती है, जिसे रामलीला भी आपने कहा, और आखिरी दिन विजय उत्सव मनाया जाता है विजयदशमी के रूप में। उधर जो आश्विन नवरात्र होते हैं, पूरे 9 दिन राम की महिमा चलती है, राम का गुणगान होता है, लेकिन राम जब 9वां दिन आता है तो उसे दुर्गा नवमी कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इन नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में नवमी को हम रामनवमी कहते हैं, आश्विन के नवरात्रों में नवमी को हम दुर्गा नवमी कहते हैं, ऐसा क्यों? दुर्गा नवमी, चूंकि दुर्गा ने नवमी के ही दिन उन राक्षसों का अंत किया था, वह अंतिम दिन था उनके युद्ध का। जिस तरह से भगवान श्री राम के युद्ध का अंतिम दिन दशमी था, उसी तरह से माता दुर्गा के युद्ध का अंतिम दिन जो है वह नवमी था, इसलिए उसे दुर्गा नवमी कहा जाता है। बाकी रामनवमी के विषय में, राम के जन्म के चलते उस नवमी का नाम रामनवमी पड़ गया। एक कथा भी प्रचलित है, कहा जाता है कि नवरात्र के जो आश्विन नवरात्र का 9वां दिन होता है, भगवान श्री राम ने माँ का आह्वान किया था ताकि वो रावण को परास्त कर सके, उनको आशीर्वाद मिल सके माँ का, ऐसी कोई कथा भी प्रचलित है? जी बिल्कुल, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात के पूर्ण प्रमाण दिए हैं, और वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण में इस कथा का उल्लेख किया है विशेष रूप से, कि चैत्र शुक्ल पक्ष तो रामनवमी के लिए, लेकिन यह जो आश्विन नवमी की बात जब आती है, यहाँ पे दोनों जन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नवमी के दिन भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की विशेष रूप से उपासना, अर्चना, पूजा की थी विजय के लिए। क्यों? क्योंकि शक्ति से ही विजय प्राप्त की जा सकती है, बिना शक्ति के विजय पाना असंभव है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो। एक कथा इससे और भी जुड़ी हुई है, जब भगवान श्री राम ने माता की उपासना के समय 107 कमल चढ़ा लिए, उसके बाद जब 108वें कमल की बारी आई तो उनकी परीक्षा के लिए माता ने एक कमल कहीं गायब कर दिया, छिपा दिया। तो चूंकि भगवान श्री राम को एक बात याद था कि उनकी माता कौशल्या उन्हें राजीव नयन कहती थी, कि मेरा पुत्र राजीव नयन है, राजीव अर्थात कमल, नयन मतलब आंखें, मन जिसकी आंखें कमल के जैसे सुंदर हैं। तो भगवान कमल की जगह अपनी आंखें चढ़ाने को तत्पर हो गए, और उनकी इस भक्ति को, श्रद्धा को देखते हुए माता ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा विजयी भव। देखिए, भगवान शिव का भक्त था रावण, अजब रावण शिव का भक्त, महातपस्वी, महाज्ञानी, लेकिन फिर भी विजय उसको नहीं मिली, विजय मिली भगवान श्री राम को। क्यों? क्योंकि माता उनके साथ थी, शक्ति उनके साथ थी, और विजय तब नहीं आज भी यही सच है कि शक्ति जिसके पास है विजय उसके साथ है, इसीलिए विजय उत्सव के रूप में विजयदशमी आश्विन नवरात्र की मनाई जाती है। एक बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बोली है कि शक्ति जिसके साथ है विजय उसी के हाथ है। बताएंगे माँ शक्ति की कुछ और महत्वपूर्ण बातें, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नवरात्र विशेष में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं माँ भगवती की आराधना के महत्व के बारे में। पंडित जी ने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि शक्ति जिसके साथ है आज भी विजय उसी की होती है। तो कैसे करें इस नवरात्र माँ शक्ति को आप प्रसन्न, बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण बातें। पूरे नवरात्र के 9 दिन हम आपको माँ शक्ति को प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि क्यों नवरात्र में की जाती है कलश की स्थापना, माँ शक्ति के आह्वान के लिए कलश क्यों स्थापित किया जाता है नवरात्र के पहले दिन, चलिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है नवरात्रों को लेकर, कि नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, ये कलश स्थापना क्यों की जाती है? देखिए, कलश की स्थापना का बड़ा महत्व है हमारे धर्मशास्त्र में। जब भी कोई शुभ काम होता है, जब भी कोई सांस्कृतिक आयोजन होता है, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसमें कलश की स्थापना की अनिवार्यता आरंभ हो जाती है, और कलश स्थापन से ही कोई पूजा आगे बढ़ती है, या यूँ कहें शुरू होती है। दो बातें यहाँ मैं आपको बताऊँ,
एक चीज होती है दीपक। जब हम भी कोई भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले एक दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि दीपक को हमारे शास्त्रों में धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज मतलब धर्म का मालिक, धर्म की रक्षा करने वाला। और दीपक कौन होता है? दृष्टा होता है। वह देखता है, क्या देखता है? जो आप करते हो, मतलब आपने जो कुछ भी कर्म किया उन तमाम कर्मों का साक्षी कौन है? वह दीपक है, इसलिए दीपक। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? कलश। कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि आपकी संकल्प के आधारभूत जो भी आपकी क्रिया है वह सीधे सीधे कलश वहन करता है। कलश में सात नदियों के जल का आवाहन किया जाता है, सातों समुद्रों के जल का आवाहन किया जाता है, पवित्र तीर्थों की मिट्टी डाली जाती है, उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा डाली जाती है, अन्न डाले जाते हैं जो सप्तधान्य कहे जाते हैं वो डाली जाती है, दुर्वा डाली जाती है, कुल कहने का मतलब सौरौषधि डाल करके एक दिव्य कलश का निर्माण किया जाता है, जिसे आप यूं समझे अमृत कलश भी कह सकते हैं एक रूप में। उसमें तमाम ऊर्जा का इकट्ठाकरण किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है ऊर्जा का। जब हमारा संकल्प पूर्ण होता है तो उसी के जल से यजमान के ऊपर ब्राह्मण जो है मार्जन करता है, ताकि जो इसकी शक्ति है वह सीधे सीधे यजमान के ऊपर प्रेक्षित की जा सके, और उस शक्ति के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से यजमान का कल्याण हो, कोई रोग हो, कोई दोष हो, कोई व्याधि हो तो वहाँ समाप्त हो जाए। यहाँ तक कि उसके जल को सिर्फ यजमान के ऊपर नहीं अपितु पूरे उसके गृह में छिड़काव किया जाता है, ताकि उसकी शुद्धि हो जाए और यदि कोई बाधा है तो उससे मुक्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं वह शक्ति का एक तरह समझिए संधारित्र है। जो भौतिक विज्ञान पढ़े होंगे वो समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। तो वह ऊर्जा का संधारित्र है। ऊर्जा आती तो हम इकट्ठा कहाँ करेंगे? एक तो शरीर में और दूसरे उस कलश में। इसलिए कलश स्थापना अति आवश्यक है। बिना कलश स्थापना किए, बिना दीपक जलाए किसी भी प्रकार का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पूजन तो करेंगे लेकिन पूजन का फल जब मिलेगा तो उसे कहाँ इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए दो माध्यम है, एक आपका शरीर और दूसरा वो आपका कलश। अखंड ज्योत का भी विधान होता है। लोग जलाते तो हैं, नवरात्र मनाते हैं तो नवरात्र का व्रत रखना है तो कलश भी स्थापित करते हैं, लेकिन जानते नहीं कलश वास्तव में क्यों स्थापित किया जाता है। ठीक उसी तरह अखंड ज्योत भी लोग जलाते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि अखंड ज्योत जलाई क्यों जाती है? देखिए स्मिता जी, अभी मैंने पहले ही बताया कि संकल्प जब होता है तो संकल्प को देखने वाला कौन है? जैसे आपने मुझे प्रॉमिस तो किया। लेकिन दीपक, कुछ लोग दीपक जलाते हैं वो बुझ जाए तो कोई नहीं, बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योत यस, जब आप अपना कर्म कर रहे हैं, देखिए संकल्प मंत्र क्या बोलता है? मंत्र कहता है यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तव सुस्थिरो भव। जब तक मेरा कर्म समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप यहाँ स्थिर होके मेरे कर्मों के साक्षी होइए। आप इस कर्म के एविडेंस हैं, गवाह हैं। जब मेरी बारी आएगी तो आप बताएंगे कि नहीं, इस इंसान ने जो संकल्प लिया था उसको बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, अपनी भक्ति के साथ पूर्ण किया है, इसलिए दीपक का प्रधानता है। दीपक जलाया भी इसलिए जाता है। मतलब वो दीपक पूरे 9 दिन जलते ही रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। यदि आपका संकल्प है तो 9 दिन जलना चाहिए, यदि नहीं है तो मत जलाइए। जब आप पूजन कर रहे हैं, जैसे सुबह शाम पूजा करते हैं या केवल सुबह करते हैं, जब आप पूजन कर रहे हैं तब उस दीपक को जरूर जलाइए, और दीपक जलाने के बाद ही पूजन कार्य आरंभ करिए। मतलब निर्भर करता है कि आपने ज्योत जलाई किस मंशा से, हेतु है, उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है। बिल्कुल, अगर संकल्प है कि पूरे 9 दिन अखंड जलेगी, बुझनी नहीं चाहिए, तो वो नहीं बुझनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बुझनी चाहिए। और दूसरा कि आपने दीपक जला दिया, जब तक उसमें दिए में घी है तब तक वो ज्योत जलती रही। बिल्कुल, जब तक वो आप दीपक जो भी है कर्म जब तक कर रहे हैं तब तक जले। आपका कर्म समाप्त हुआ तो दीपक आगे घंटे आध घंटे बुझ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने संकल्प ले रखा है कि नहीं 9 दिन में ये काम करूंगा और उसके ये साक्षी होंगे दीपराज, तब दीपक जलना ही चाहिए। क्योंकि स्मिता जी, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने संकल्प लिया है तो पूर्ण करना ही होगा। बिना संकल्प पूर्ण किए यदि आप उठते हैं तो पुण्य तो मिले न मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी काम यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो उसका नुकसान होता ही होता है, ये निश्चित है। इसलिए संकल्प लेने से पहले विचार अवश्य कर लें। दर्शकों, आप भी इस नवरात्रि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि संकल्प का वास्तव में कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने ये संकल्प लिया है कि आपको अखंड ज्योत जलानी है तो अपनी ज्योत को नवरात्रों में बुझने का तय ना दें। अब एक सवाल, अंतिम सवाल पंडित जी से ये भी पूछते हैं कि व्रत क्यों किए जाते हैं? वास्तव में हम सबसे ज्यादा महत्व व्रतों को ही देते हैं नवरात्र के दौरान, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत वास्तव में किए क्यों जाते हैं पंडित जी? नवरात्र, क्योंकि पूजा तो हम रोजाना भी करते हैं,
माँ की पूजा भी करते हैं, ईश्वर को भी हम लोग रोजाना ही स्तुति कर लेते हैं, लेकिन हम व्रत नवरात्रों के व्रत को इतना महत्व क्यों देते हैं? देखिए, व्रत और नवरात्र के व्रत ये दो अलग अलग चीजें हैं, और व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत मतलब मैंने एक व्रत लिया, एक संकल्प लिया कि मैं अमुक कर्म करूंगा। व्रत निश्चित सीमाओं को तय करके अपने आप को उसमें समेटने की स्थिति होती है, अपने मन को संकल्प शक्ति से एक निश्चित जगह जाके एकत्रित करने की। आज के समय में व्रत की जो परिभाषा मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, कुछ लोगों के लिए ये है कि हमें अन्न नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाना है। कुछ लोगों के लिए व्रत की ये परिभाषा है कि कुछ खाना ही नहीं है। दो तरीके के व्रत लोग रहते हैं, लेकिन व्रत का सही अर्थ संकल्प होता है ये शायद लोग जानते ही नहीं है। देखिए, व्रत के बारे में अभी आपने जो कहा कि कुछ लोग अन्न खाते हैं, कुछ लोग फल खाते हैं, उसके लिए दुर्गा सप्तमी में एक लाइन आती है, आपको बताऊं कि अल्पाहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। मतलब आप अल्पाहार रह करके, आप थोड़ा सा खा करके, आप निराहार रह करके, कैसे भी, यहाँ भोजन की प्रधानता नहीं, यहाँ प्रधानता किसका है? तन मनस्कौ समाहितौ, अर्थात अपने शरीर और मन को समाहित कर लीजिए, एकाकार कर लीजिए, उसके बाद आप पूजन करिए, तो यह व्रत होता है। और इसी व्रत के बारे में हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और इसी को उत्कृष्ट व्रत माना जाता है। इस बार के जो नवरात्र हैं, हर बार मतलब अक्सर ऐसा होता है कि नवरात्रों को लेकर लोगों में भ्रम रहता है, दुविधा होती है, 8 होंगे कि 9 होंगे, एक दिन दो देवियों का तो नहीं है। इस बार के नवरात्रों में ऐसा कोई महत्व है, कुछ ऐसा है कि तिथियां बदल रही हैं, 9 के 10 या 8 हो रहे हैं, इस तरीके का है? नहीं, इस बार ऐसी कोई दुविधा नहीं है। दर्शकों को मैं बता दूं, इस बार 28 मार्च 2017 को 8:28 से प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो रही है, और 29 मार्च 2017 को भोर में अर्थात सूर्योदय के पहले 5:44 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। मतलब उदया तिथि में प्रतिपदा तिथि आ ही नहीं रही है, उदया तिथि में अमावस्या है, और उसी अमावस्या के खत्म होने के बाद प्रतिपदा आरंभ हो रही है, और अगले सूर्योदय के पूर्व ही प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जा रही है। इसलिए प्रतिपदा का व्रत जो है 28 मार्च को ही होगा, और 28 मार्च को ही कलश स्थापना भी होगी, और भगवती के प्रथम रूप अर्थात शैलपुत्री का जो पूजन होगा वह भी 28 मार्च को ही होगा। तो पंडित जी ने आपको तमाम महत्वपूर्ण बातें व्रतों से संबंधित, खासकर नवरात्र के व्रत से संबंधित आपको पंडित जी ने बता दी हैं, क्यों नवरात्र के व्रत किए जाते हैं, क्यों करने चाहिए, क्या संकल्प होना चाहिए, कलश की स्थापना क्यों की जाती है, क्यों अखंड ज्योत जलाई जाती है, तमाम सवालों के जवाब आपको पंडित जी ने दे दिए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी में आकर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर, बताएंगे आपको नवरात्र के पहले दिन के बारे में कि माँ के किस स्वरूप की पूजा पहले दिन की जाती है, कैसे कलश की स्थापना आपको करनी है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। जय माता दी।